हेलो स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे बीज व्यंजक, और हम लोग के शिला से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग वास्तविक संख्या को पढ़ लिए, मतलब कि परिमेय संख्या वाला चैप्टर पढ़े हम लोग, घात और घातांक पढ़ लिए पूरा, और पूरा वीडियो का सॉल्यूशन हम लोग किए हैं, मतलब पूरा चैप्टर का वीडियो में सॉल्यूशन किया है। अब रहा बात कि इसके बाद तो फिर वर्ग वर्गमूल है, घन घनमूल है, तो उसको क्यों छोड़ दिए, सारा चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन पहले हम लोग इस बीज व्यंजक को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसमें कुल मिला के 6 से 7 चैप्टर हैं। अगर इसको अच्छा से पढ़ लिए तो फिर आने वाला 9th क्लास बहुत ही ईजी हो जाएगा। और बाद बाकी जो रहा वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, वो बहुत ईजी चैप्टर है, उसको तो हम लोग एक एक वीडियो में ही समाप्त कर देंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे बीज व्यंजक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो 6.1 से स्टार्ट होता है चैप्टर में। अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझे कि ये बीज व्यंजक होता क्या है। तो इसमें बीज व्यंजक का अगर हम लोग परिभाषा देखें तो इसका परिभाषा, आसान सा परिभाषा, कि जो चर और अचर का समूह आए उसी को कहते हैं बीज व्यंजक। अब इसमें दो वर्ड है, एक चर और एक है अचर, ये दोनों मिलके जो आएगा वही कहलाएगा बीज व्यंजक। चर क्या है, तो गणित में जो हम लोग मानते हैं, जैसे एक्स मानते हैं सवाल में, वाई जेड पी क्यू आर एस, ये सारा अक्षर को मान लेते हैं। और अचर जो संख्या होता है, गिनती में जो संख्या आए, फिर दशमलव में आए, बटे में आए, ये सारा को हम लोग बोलते हैं अचर, जिसका मान कभी ना बदले। लेकिन अचर का मान उसको बोलते हैं अचर, लेकिन चर का मान बदलते रहेगा, एक्स का मान क्या आएगा हम लोग को नहीं मालूम। तो मतलब इसमें ये दोनों चीज़ को मिला के जिसका अध्ययन करेंगे वही कहलाएगा बीज व्यंजक। अब कुल मिला के हम लोग को चैप्टर में पढ़ना क्या होगा, तो इस बीज व्यंजक का जोड़ पढ़ेंगे, इस बीज व्यंजक का घटा पढ़ेंगे, गुना पढ़ेंगे और भाग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ लिए संख्या में क्या पढ़ेंगे, जैसे कि 3 जोड़ 2 आराम से जानते क्या होगा, या फिर 3 घटा 2 कितना होगा पता है, 3 गुना 2 कितना होगा पता है, 3 भागा 2 कितना होगा पता है। तो हो गया अचर, अचर का जोड़ घटा गुना भाग हम लोग बचपन से सीखते हुए आए हैं। लेकिन 8th क्लास में जैसे पहुँचे तो एक नया चीज़ मिल गया, बीज व्यंजक, जिसका अर्थ होता क्या कि जिसमें चर और अचर दोनों चीज़ हो। अचर तो पता चल गया कि जो संख्या फिक्स है, और चर हो गया कि जिसका मान हम लोग को मालूम ही नहीं, एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता, ये हो गया चर। इस दोनों को मिला के कहलाया बीज व्यंजक, और इसी का हम लोग इस पहले चैप्टर में पढ़ेंगे जोड़ और घटा, और एक चैप्टर में पढ़ेंगे गुना, और तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे भाग। तो कुल मिला के ये 4 चीज़ है और 3 चैप्टर है, तो 3 चैप्टर में पूरा कहानी समाप्त होगा। अब यहाँ पे रहा सवाल कि इसको बनाएंगे कैसे, ये तो समझ में आ रहा है कि दोनों एक जैसा चीज़ है, इसको जोड़ दिए तो 5 आ गया, लेकिन इसमें फिर दिक्कत करेगा बीज व्यंजक में। कहने का मतलब कि इस प्रकार से अगर तुमको लिख दिया, ये एक बीज व्यंजक का उदाहरण है, दूसरा लिख दिया ऐसे, ये दूसरा बीज व्यंजक है। अब इस दोनों को जोड़ना है, तब सवाल रहा कि जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने का नियम क्या है, जोड़ने का पहला नियम है क्या, पहला नियम कि दोनों जितना बीज व्यंजक को देगा, ये पूरा एक बीज व्यंजक है, ये पूरा एक बीज व्यंजक है, इस बीज व्यंजक में जितना वो देगा चर, वो चर सेम होना चाहिए, सब में समान होना चाहिए, चर सभी में समान होना चाहिए। उसके बाद उस चर का घात, उसमें जो घात आएगा, घात मतलब पावर, उसके ऊपर जो बैठता है, वो भी दोनों में समान होना चाहिए, तभी कोई बीज व्यंजक आपस में जुटेगा या फिर घटेगा। कहने का मतलब जैसे देखो, ये एक्स स्क्वायर और ये दे दिया एक्स, अब तुमको बोल दिया कि आप इस दोनों को जोड़िए, अब जोड़ने के बाद कितना होगा नहीं मालूम, क्यों, देखो ये भी चर ये भी चर, लेकिन इसमें घात 2 है तो इसमें घात 1 है, इसका रूप यही रह जाएगा, इसको हम लोग और कुछ नहीं कर सकते। तो ये बीज व्यंजक तो है, लेकिन हम लोग जोड़ नहीं पाए इसको। बीज व्यंजक बताता कि क्या है कि आप जोड़िएगा कैसे, अगर ये एक्स स्क्वायर है और नीचे भी इस प्रकार से एक्स स्क्वायर, मान लो 3x² दे दिया, अब बोला कि आप इसको जोड़िए, तो अब इसको आराम से जोड़ सकते हम लोग। तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 3 बार, तो ये कुल मिला के 4 बार इसको ऐसे जोड़ सकते। कैसे जोड़े, इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स, इसमें घात 2 इसमें भी घात 2, दोनों एक जाति का हो गया, चर एक जैसा होना चाहिए और उसका घात भी एक जैसा होना चाहिए, तब आपस में या तो जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। उसके बाद देखो बीज व्यंजक का, अब इसमें कुछ बात है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर चैप्टर में डायरेक्ट चलेंगे। अब इसमें सवाल आता है क्या कि आप बीज व्यंजक में जो चर है उसका गुणांक को लिखिए, तो चर का गुणांक, चर का गुणांक, तो चर का गुणांक मतलब कि इसमें जो बीज व्यंजक दिया उसमें जो चर है उसके साथ जो गुना में रहेगा वही उसका कहलाएगा गुणांक। जैसे देखो ये एक है बीज व्यंजक का उदाहरण, इस प्रकार से दे दिया, ये बीज व्यंजक का एक उदाहरण है, बीज व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों है, संख्या है, और देखो इसमें एक्स वाई जेड ये सारा चीज़ है, ये मिला के जो आया वही बीज व्यंजक। अब इसमें तुमको पूछा गया कि इसका गुणांक लिखो, किसका गुणांक, बोलेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स के साथ जो गुना में है
तुमको बोलेगा x का गुणांक, तो x के साथ जो गुना में है तो माइनस से चिन्ह लेके लिखना होगा, आगे प्लस है लेकिन लिखा नहीं जाता है इसमें। उसी प्रकार से z का गुणांक तो 6, उसी प्रकार से p का गुणांक तो -7। तो ऐसे भी सवाल बनेगा कि तुमको पूछेगा चर का गुणांक, जो जो चर है उसका गुणांक लिखो। तो एक सवाल यहाँ पर बना, एक सवाल यहाँ पर बना, तो ये दो प्रकार का सवाल पहला चैप्टर में मिलेगा। इसके बाद देखो सवाल, अब तीसरा सवाल क्या पूछता, पहला क्या पढ़े कि बीज व्यंजक का जोड़, दूसरा क्या पढ़े कि बीज व्यंजक में जो चर है उसका गुणांक, उसके साथ जो गुना में है। अब तीसरा इसमें सवाल हम लोग को क्या पढ़ना है, तो तीसरा सवाल आएगा क्या कि उभयनिष्ठ, तो बीज व्यंजक में पद जो रहेगा उसका उभयनिष्ठ। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करो कि बीज व्यंजक का पद क्या होता है, तो बीज व्यंजक के पद, व्यंजक के पद ये होता क्या। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ लिख रहे हैं, एक चीज़ मतलब यहाँ पे एक बीज व्यंजक का उदाहरण लिख दे इस प्रकार से। अब तुमको पूछा क्या कि आप बीज व्यंजक का पद बताइए, पद का अर्थ होगा क्या बीज व्यंजक में, कि जो बीज व्यंजक में चर और अचर होगा वो या तो जोड़ और या फिर घटा, इस दो चीज़ से जो अलग होगा वो कहलाएगा बीज व्यंजक का पद। कहने का मतलब देखो ये 3x बीज व्यंजक में चर और अचर के बीच अगर कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है। देखो ये 3 अचर है, x चर है, इसके बीच कोई चिन्ह नहीं तो ये दोनों आपस में गुना है। जैसे हम लोग बोर्ड मास में भी इस चीज़ को पढ़े थे कि बोर्ड मास में जब ब्रैकेट आता था और संख्या साथ में आता था और बीच में कोई चिन्ह नहीं तो उसको हम लोग गुना मानते हैं। तो इसमें वही बात कि बीज व्यंजक में चर और अचर के बीच कोई चिन्ह नहीं तो वो गुना है। तो देखो ये दोनों गुना में है, तो एक ये पद हो जाएगा, एक पद देखो ये घटा से अलग हो गया, ये दूसरा पद, ये जोड़ से अलग हो गया, ये तीसरा पद। तो कुल मिला के इस बीज व्यंजक में 3 पद है, क्योंकि जोड़ और घटा के रूप में ये अलग हुआ है। और कोई ऐसे गिन रहा कि 3 और फिर ये x 2 पद, यहाँ पे 2 पद और यहाँ पे 2 पद, वो 6 पद बोल देगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। बीज व्यंजक में पद हमेशा या तो जोड़ में अलग होगा या फिर घटा में अलग होगा, वो कभी भी ना ही गुना और ना ही भाग में अलग होगा। अगर कोई इस प्रकार से लिख दे तो देखो ये कुल मिला के एक पद होगा, अब ऐसा नहीं कि ये ऊपर का एक पद और नीचे का एक पद, दो पद ऐसा नहीं होगा। एक ही बात याद रखो कि हमेशा जोड़ और घटा के रूप में पद अलग होगा। तो ये एक पद है, ये कुल मिला के एक पद है, इसके बीच गुना का चिन्ह है, गुना में पद अलग नहीं होता, वो एक साथ होता है एक ही पद। ये कुल मिला के एक पद है और ये कुल मिला के एक पद है, तो 1, 2, 3, 4। तो सवाल कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित बीज व्यंजकों में पदों की संख्या लिखे, इस प्रकार से दे देगा, तुमको पूछेगा कितना पद है, तो हम लोग लिख देंगे 1, 2, 3, 4, अतः इस बीज व्यंजक में 4 पद है। तो इस प्रकार से सवाल इसमें बनेगा। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब हम लोग चैप्टर में जाएंगे और उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बीज व्यंजक का गुणांक और फिर पढ़ेंगे जोड़ घटा का नियम और फिर पढ़ेंगे इस चैप्टर में पदों की संख्या, फिर आगे वाला चैप्टर में तब हम लोग पढ़ेंगे उसमें गुणा और भाग का नियम। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब इस चैप्टर को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो देखो 6.1 में हम लोग सवाल को देखते हैं, इसमें कुल मिला के 4 ही सवाल दिया है और ये बहुत ही ईजी सवाल दिया, जितना बात बताए उसी में सारा सवाल है। पहला सवाल लिख रहा गया कि निम्नलिखित बीज व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचाननी है, दो चीज़ पहचानना है कि इसमें कुल पद कितना और इसका गुणांक लिखो। देखो सवाल देखो, पहले एक नंबर में कुल मिला के ये 5 ही सवाल दिया। पहला सवाल लिखा है यहाँ पर ये 3x² y + 5x³। सबसे पहला चीज़ इसमें पद देखो, ये देखो ये कुल मिला के एक पद होगा। अभी बताया गया कि पद हमेशा है तो जोड़ या फिर घटा के रूप में अलग होगा, ये दो ही चीज़ में अलग होगा ये। लेकिन देखो ये 3x² और y ये सब गुना में है, इसलिए कुल मिला के ये पद एक ही पद होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ही पद है, उसके बाद देखो जोड़ है। और ये 5 और x³ कुल मिला के ये एक पद होगा, ठीक है। तो एक पद ये और एक पद ये, तो कुल मिला के इसमें दो ही पद है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो पदों की संख्या, पदों की संख्या, क्योंकि दो दो आंसर मांगा हो तो पदों की संख्या हो गया दो। ये चीज़ समझ में आ गया सभी को। दूसरा चीज़ देखो, अब इसमें तुमको गुणांक पूछा, तो गुणांक किसका, ये चर का। तो देखो पहला में, पहला पद में चर क्या है, x²y, यही ना चर है। चर मतलब क्या, जिसका मान मालूम ही नहीं, x, y, z जो आएगा। तो ये पहला पद में x²y ये पहला पद है और उसका ये क्या है, चर पद है। अब इसके साथ गुना में 3 है, तो x²y का गुणांक, तो इसका गुणांक हो जाएगा 3। और x³ देखो ये x³ ये 5 के साथ गुना है, तो गुणांक का अर्थ होता है कि वो गुना के साथ में है। तो x³ का गुणांक ये बराबर 5,
तो हम लोग को दो आंसर पूछा था ये कि इसमें कुल पद कितना है और इसके साथ जो चर है उसके साथ गुना में कौन है गुणांक, ये इसका गुणांक हो गया और ये इसका पद हो गया, तो कुल मिला के इतना हम लोग का आंसर निकल गया। तो देखो एक नंबर में टोटल चार या पाँच सवाल है, अब इसको आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आठ सवाल दिया इसमें, सारा सवाल बन जाएगा। तो यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं आगे सवाल को। अब आ जाओ दो नंबर सवाल में। अब देखो इसको सुनना ध्यान से पहले सवाल को, इसमें भी ज़्यादा कुछ सवाल है नहीं, इसमें एक ही सवाल वो पूरा मिला के दिया सवाल। तो क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें कि निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीन श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक नया वर्ड आया बहुपद, हमको लगा कि इस चैप्टर में है नहीं, लेकिन ये दे दिया, इसके बारे में थोड़ा जान लो ये होता क्या है, तब फिर सवाल समझ में आएगा। बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीनोमियल। ऐसे ही आगे चैप्टर आएगा तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पॉलीनोमियल। देखो बीज व्यंजक का ये एक हिस्सा है, इतना जानो कि ये जो बीज व्यंजक है उसी का एक हिस्सा है। लेकिन अंतर क्या होता है इसमें कि इसमें जो आएगा, इसमें जो भी बीज व्यंजक आएगा उसमें जो चर होगा उसका घात हमेशा एक पूरा पूरा संख्या होगा। कहने का अर्थ देखो, अगर इस प्रकार से कोई लिख रहा है ये तो बीज व्यंजक है, इसमें कोई शक नहीं है ये बीज व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें चर भी आ गया, और चर और अचर दोनों आ गया, वाई जेड आ गया, एक्स आ गया, संख्या आ गया 6-7, तो ये तो बीज व्यंजक है। लेकिन बीज व्यंजक के साथ साथ ये बहुपद भी है। तो बहुपद मतलब क्या, देखो कि इसमें जो चर है, देखो ये चर है, इसमें ये वाला चर है, इसमें ये वाला चर है, इसमें घात देखो ये पूरा संख्या है, इसमें घात देखो ये पूरा संख्या, इसमें घात देखो ये पूरा संख्या। जब इस प्रकार का बीज व्यंजक आ जाए तो इस बीज व्यंजक को हम लोग बोलेंगे बहुपद। सरल शब्दों में ऐसे याद रखो कि वह बीज व्यंजक जिसमें चर का घात पूरा पूरा संख्या हो, वैसे बीज व्यंजक को हम लोग बोलेंगे बहुपद। तो ये बीज व्यंजक से ही निकला एक चीज़ है ना, या फिर उससे अलग है, उसी से निकला ये चीज़ है। अब जैसे देखो, अगर बीज व्यंजक को ऐसे लिख रहा है, घात माइनस में भी तो हो सकता है, तो घात माइनस में आ गया, तो जब भी घात माइनस में आ जाएगा ये तो बीज व्यंजक है लेकिन ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका घात माइनस में, संख्या तो पूरा पूरा लेकिन इसके साथ माइनस आ गया। सीधा सा बात कि वैसा बीज व्यंजक जिसमें चर का घात पूरा पूरा संख्या रहेगा, उसमें कुछ नहीं आएगा, वो कहलाएगा बहुपद। लेकिन अगर इस प्रकार से आ जाएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ बीज व्यंजक होगा लेकिन बहुपद नहीं। ये दोनों है, ये बीज व्यंजक भी है और बहुपद भी है, इसलिए इस चैप्टर में दे दिया इस प्रकार से। लेकिन आगे चैप्टर आएगा तो वहाँ पे हम लोग इस बहुपद के बारे में अच्छा से जानेंगे। लेकिन अब आ जाओ इसमें, अब इसमें तुमको बोला गया कि आप इसको एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में अलग कीजिए। तो एक पदी मतलब जो एक पद में होगा, अभी पद जो बताए वही इसमें लिखना है। तो अब इसमें देख लो एक पद में कौन कौन है, तो पूरा अगर तुम चेक करोगे तो इसमें एक पदी में कोई नहीं है, एक भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। एक पदी में एगो है, 10,000 ना, हाँ 1,000, ये एक पदी है और इसके अलावे नहीं है, तो इसका एक आंसर आ गया। तो इसके साथ कोई नहीं ना है, सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ 1,000, तो मतलब ये इसमें एक ही पद है, इसके अलावे कुछ है ही नहीं इसमें। अब उसी प्रकार से अब द्विपदी तुमको बोला है, द्विपदी, अब द्विपदी, अब देखो किस में दो पद है, तो देखो पहला वाला में है ये एक पद, घटा में अलग हो गया है दूसरा पद, और उसके बाद फिर देखो और एक आगे 5x-2y, तो इसमें भी दो पद है, तो ऐसे दो पद वाले को निकाल लो, फिर त्रिपद वाले को निकाल लो, फिर चतुर्थ पद वाले को निकाल लो, तो जो जो जितना पद में होगा उसको अलग से लिख लो, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बस दो नंबर में एक ही सवाल दिया था, इसका आंसर यही आएगा, इसको उतार लो फिर आगे देखते। देखो एक पदी में और एक है इसमें शायद PQR, हाँ एक जगह और दिया, देखो PQR, देखो ये एक ही पद में है, अब ऐसा नहीं कि P एक अलग पद है, Q एक अलग पद है, R एक अलग पद, ये अलग हो नहीं होगा। अभी बताएगा कि हाँ इसके बीच में जोड़ घटा का चिन्ह रहता तो फिर, या फिर सिर्फ जोड़ का चिन्ह रहता तो ये तीन पद होता, लेकिन देखो तीनों गुना में है इसलिए कुल मिला के ये एक ही पद है। ठीक है, इसी प्रकार से सारा अलग कर लेना, हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग तीन नंबर में। अब देखो तीन नंबर में अब सवाल बोला गया कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, योग मतलब जोड़। अब सवाल को समझना, तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए क्या, गुणांक के बारे में पढ़े और पद को अलग करने के लिए सीखे, और शुरू में ही बताया कि इस चैप्टर में तीन ही चीज़ सीखेंगे हम लोग, गुणांक पूछेगा, पद पूछेगा और जोड़ और घटा, तो कुल मिला के इसमें तीन ही चीज़ है। तो जैसे तीन नंबर में हम लोग को बताया गया कि इसमें बीज व्यंजक दिया हुआ, आपको जोड़ के बताना है इसका जोड़ क्या क्या आएगा। तो देखो इसमें पहला बीज व्यंजक लिखा है, एक्स वाई प्लस जेड, और दूसरा बीज व्यंजक
एक्स प्लस दो एक्स वाई माइनस तीन जेड। अब इसी को जोड़ना है। एक बीज व्यंजक ये दिया था और दूसरा बीज व्यंजक ये वाला दिया था। अब देखो जोड़ने का अर्थ मतलब क्या, किसको इसके साथ जोड़ना, एक जैसा चर जो होगा उसको आपस में जोड़ना। अब देखो जोड़ने के लिए दो तरीका है, जोड़ने के लिए दो तरीका बताया। एक तरीका होता है चेन रूल, चेन रूल, और एक होता है क्या, स्तंभ रूल। देखो ये चीज़ बताया नहीं जाता लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि किताब में है और कभी तुम लोग किताब खोलोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। एक होता है स्तंभ रूल, ठीक है ना। अब देखो ये रूल क्या बताता है, जब बीज व्यंजक को तुम एक ही लाइन में लिख दो, कहने का मतलब एक बीज व्यंजक इसको मान लो और एक बीज व्यंजक मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है, अगर इसको तुम ऐसे ही लिख दो एक ही लाइन में तब ये जोड़ का चेन रूल कहलाएगा या फिर चेन नियम कहलाएगा। एक ही लाइन में सारा चेन कैसा है ना, लंबा चल रहा है, ठीक है ना। जब इसी चीज़ को तुम ऊपर नीचे लिख दोगे, ऐसे ना लिख के अगर कोई ऐसे लिख दे तो ये कहलाएगा स्तंभ रूल। स्तंभ मतलब खड़ा करके जोड़ रहे हैं हम लोग, ये दो ही प्रकार का नियम आएगा इसमें। हाँ लेकिन तुमको कभी पूछेगा नहीं कि आप किस नियम से बना रहे हैं, या फिर सवाल में लिखेगा नहीं है, सवाल दे देगा बोलेगा कि जोड़ कीजिए तो हम लोग ऐसे जोड़ दें या फिर चेन रूल से जोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा जोड़ को समझना आसान है, चेन रूल में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि फिर घटा में दिक्कत हो जाएगा, घटा पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग स्तंभ रूल में ही जोड़ को भी पढ़ लेंगे और घटा को भी पढ़ लेंगे, चेन रूल का कोई ज़रूरी यहाँ पे है नहीं। लेकिन बता दिए कि हाँ दो रूल से हम लोग इसको जोड़ते हैं। अब देखो सवाल को कैसे हम लोग जोड़ेंगे इसमें, अब दिमाग को लेके जाओ जो पीछे बताए, क्या बताए कि जब हम लोग जोड़ का काम करेंगे तो सबसे पहले चर को देखेंगे कि सब में चर एक जैसा आना चाहिए। चर अगर एक जैसा हो गया तब उसका घात को चेक करेंगे, अगर घात भी एक जैसा आ जाए तो चर भी एक जैसा घात भी एक जैसा, तब वो आपस में जुटेगा या फिर घटेगा। तो ये जोड़ है तो जोड़ का काम करेंगे। पहला लाइन में देखो एक्स वाई, एक्स पे भी घात एक, वाई पे भी घात एक। अब नीचे लाइन में आ जाओ, ये सिर्फ एक्स है, इसके साथ मेल नहीं खाया, खत्म। ये एक्स वाई इसके साथ मिल गया, इसमें भी घात एक, इसमें भी घात एक, तो मतलब ये और ये दोनों एक ही जाति का है क्योंकि इसमें भी एक्स गुना वाई है, इसमें भी एक्स गुना वाई है, इसमें भी एक्स पे घात एक है, इसमें भी एक्स पे घात एक है, इसमें भी वाई पे घात एक है, इसमें भी वाई पे घात एक है, मतलब दोनों एक जाति का, आपस में दोनों जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक बार एक्स वाई है, यहाँ पे दो बार है, तो कुल मिला के तीन बार हो गया, ये एक्स वाई का काम हो गया। अब आ जाओ जेड के पास, अब देखो जेड, जेड पे घात एक, अब ऐसा वाला देखो इसमें, ये इस जाति का है नहीं, ये इस जाति का है नहीं, यहाँ पे देखो, फिर देखो यहाँ पर भी जेड है। अब देखो यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड पे घात एक है, इस पे भी जेड पे घात एक है, अब दोनों एक जाति का हो गया, एक जाति का है तो अब दोनों आपस में जुटेगा फिर घटेगा। अब यहाँ पे जेड एक बार प्लस में और यहाँ पे तीन बार माइनस में, तो ये घट जाएगा, जोड़ ही तो करेंगे ना, इन्हें घटा का चिन्ह तो हमको घटाना होगा यहाँ पे, तो एक बार जेड में से तीन बार जाएगा तो जेड तो बचेगा दो बार, लेकिन फिर सवाल वही है कि जोड़ में बचेगा फिर घटा में। तो ये चीज़ हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रही क्या कि बड़ा के साथ जो चिन्ह रहता है वो हमेशा वही चिन्ह बैठता है यहाँ पे, तो बड़ा के साथ माइनस का चिन्ह है इसीलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह बचेगा। अब काम हो गया, अब चेक करेंगे कि क्या और कुछ बचा क्या, इसमें तो और कुछ नहीं बचा, लेकिन इस लाइन में देखो एक्स बच गया, इसका इसका काम तो हो गया, ये बच गया एक्स, तो एक्स जोड़ में बचा हुआ तो इसको भी लिखना होगा, मतलब कि लास्ट में जो बच जाएगा उसको भी लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया आंसर। अब देखो तीन नंबर में, अब सारा सवाल बना सकते हो आराम से, सवाल चाहे जितना बड़ा दे दे कोई दिक्कत नहीं, आराम से सारा सवाल बन जाएगा। तो पहले इसको उतार लो फिर तीन नंबर में एक सवाल को देखेंगे। देखो अब यहाँ पे बच्चा कन्फ्यूज क्या होगा, ये आंसर किताब के आंसर से मैच नहीं करेगा, जो आंसर दिया किताब के पीछे वो थोड़ा अलग तरीका से लिखा। देखो आंसर कैसे लिखा, ये तीन एक्स वाई फिर प्लस में एक्स माइनस में दो जेड, लेकिन देखो आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे क्रम विनिमय गुण जो जोड़ के लिए सत्य होता है, तो जोड़ वाली चीज़ को तुम कहीं लिखो ना क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे देखो ये जोड़ में है तो तुम पहले लिखो या फिर बाद में लिखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आंसर एक्स को उठा के यहाँ पे डाल दिया, अब तुम लोग फिर डर नहीं जाना कि सर ये आंसर तो ये वाला था, आंसर ये वाला था, आंसर ऐसे आप कैसे लिख दिए, तो ये क्रम विनिमय गुण है, सीधा सा बात है, ठीक है ना। तो क्रम विनिमय गुण में ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये चीज़ देखो कि क्या कि इस आंसर में जो जो चीज़ है इसमें है या फिर इसमें जो जो चीज़ इसमें है कि नहीं है। देखो इसमें भी तीन एक्स वाई प्लस में है, इसमें भी तीन एक्स वाई प्लस में है, इसमें दो जेड माइनस में, इसमें भी दो जेड माइनस में, इसमें एक्स प्लस में है तो इसमें भी एक्स प्लस में है, तो मतलब आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, किसी को भी लिखा आंसर से क्या मतलब, तरीका सही है तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखते हैं तीन नंबर में कोई एक सवाल और देखते हैं हम लोग।
तो ध्यान से देखना, तीन का एक सवाल हम लोग देख लेते हैं इसमें। जैसे देखो इसमें तीन का पाँच नंबर सवाल, देखो ये पहला बीज व्यंजक लिख रहा है इसमें, दो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का तीन पी क्यू और जोड़ का चार। अब दूसरा बीज व्यंजक देखो, पाँच प्लस सात पी क्यू माइनस तीन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये सवाल दिया। अब इसको जोड़ना है, अब ध्यान से देखो इसको जोड़ना है। ये पहला वाला बीज व्यंजक, इसमें तीन पद है, एक दो तीन। दूसरा बीज व्यंजक, इसमें भी तीन पद है, एक दो तीन। अब ऐसे नहीं कि ना एक दो तीन चार पाँच छः सात, हमेशा पद जोड़ या घटा में अलग होगा। ये सारा गुना में है तो एक ही पद, ये सारा गुना में एक पद है, ये सारा गुना में एक पद है, दिमाग में रखना नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सवाल। अब ध्यान देखो, ध्यान देना है आप, पहला लाइन में देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मतलब पी क्यू उसके ऊपर स्क्वायर है। अब इस लाइन में देखो, देखो इसमें भी पी क्यू है, इसमें भी पी क्यू है, लेकिन देखो इसमें जो पी क्यू है इसके ऊपर घात एक है, पी पे भी घात एक, क्यू पे भी घात एक, जबकि इसमें घात दो है, इसमें भी घात दो, एक जाति का नहीं हुआ, चर तो एक हो गया लेकिन घात अलग अलग हो गया, इसलिए जात भी इसका क्या हो गया, अलग हो गया। अब नीचे आ जाओ, नीचे में देखो इसमें पी क्यू है लेकिन घात इसमें एक एक है, मतलब इस जाति का ये हुआ नहीं। इसमें देखो इसमें पी क्यू है, घात में इसका भी दो, इसका भी दो है, इसमें भी घात दो, इसमें भी घात दो है, मतलब ये चर भी सेम हो गया और इसका घात भी सेम हो गया। हम लोग तो यही करना, चर एक जैसा और उसका घात भी एक जैसा हो जाए, तो देखो चर भी एक जैसा हो गया, घात भी एक जैसा हो गया, तब ये अब ये दोनों आपस में जुटेगा या फिर घटेगा। अब देखो यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दो बार है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर तीन बार है, ये घटा में और ये जोड़ में है, तो कुल मिला के घटेगा यहाँ पे, दो बार में से तीन बार घट जाएगा तो कुल मिला के बचेगा एक बार। अब फिर कहानी वही कि प्लस होगा या फिर माइनस, तो देखो ये बड़ा है यहाँ पे दो बार या तीन बार है, मतलब ये बड़ा है, बड़ा में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगेगा। हाँ अगर यहाँ पे प्लस रहता और ये माइनस रहता तो ये फिर प्लस में रहता, मतलब जो बड़ा का चिन्ह होता हमेशा उसी का चिन्ह बैठता। तो देखो ये इस पद का काम हो चुका है। अब आ जाओ आगे वाला पद में, पी क्यू घात दोनों में एक एक, इस लाइन में देखो पी क्यू दोनों में घात एक एक, मतलब कि ये दोनों भी एक जाति का, अब फिर वही बात है कि दोनों आपस में जुटेगा या फिर घटेगा। अब देखो ये तीन बार माइनस में सात बार प्लस में, तब ये घटेगा, सात बार में से तीन बार चल गया तो बचा ये चार बार। अब फिर कहानी वही कि प्लस या माइनस, तो देखो बड़ा वाला प्लस में तो प्लस का चिन्ह आएगा, हो गया। अब और देखो इसमें चार, अब सिर्फ संख्या बचा, अब इसमें देख लो संख्या पाँच, तो आपस में दोनों जुट जाएगा, ये भी जोड़ ये भी जोड़, कुल मिला के नौ, तो ये हो गया आंसर। अब फिर कहानी वही कि हो सकता है कि आंसर ना दे तुमको, हो सकता है प्लस वाले को पहले लिख ले, तो क्या फर्क पड़ता, तुम ये चेक करो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या माइनस वाला है आंसर में, अगर है तो सही है, पी क्यू जोड़ में है तो सही है, नौ जोड़ में है तो सही है। अब उल्टा लिखे या फिर सीधा लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के ये तीन नंबर में छः सवाल था, छः में से दो सवाल बता दिए, अब आराम से सारा सवाल को बना सकते हो। यहाँ तक उतारो फिर देखते हैं आगे सवाल। अब देखो चार नंबर में कुल मिला के ये पाँच सवाल दिया, तीन नंबर में हम लोग जोड़ पढ़े, चार नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अब घटा। अब ध्यान देना है यहाँ पे, चार नंबर में जो सवाल दिया इसमें घटा करना है। तो चार नंबर में पढ़ेंगे घटा, लेकिन देखो जोड़ और घटा में थोड़ा सा अंतर है, अंतर इस चीज़ को समझना, जोड़ तो सीख गए हम लोग, अब घटा में अंतर क्या होगा। तो घटा में जब ये जोड़ घटा करने के लिए देगा तो नीचे वाला लाइन में देखो, पहला लाइन तो लिख ही दिया ऊपर में, अब नीचे वाला लाइन मतलब इसके बाद जो लाइन था उसको हम लोग नीचे लिखे। अब इस लाइन में क्या करना है कि इसमें जो जो जोड़ में रहेगा उसको कर देना घटा, और जो रहेगा घटा में उसको कर देना जोड़। अब फिर सोचोगे ऐसा क्यों, इसका रूल वही है, ऐसे ही सवाल बनेगा, ठीक है ना। तो देखो अभी इसमें देखो एक्स वाई इसके आगे कुछ नहीं तो जोड़ है, इसको कर देंगे घटा, जेड के आगे देखो जोड़ है तो इसको कर देंगे घटा, तीन के आगे घटा तो इसको कर देंगे जोड़। ये घटा के लिए लागू होगा, लेकिन जोड़ के लिए ऐसा रूल नहीं है। जोड़ में सिर्फ दो लाइन लिख दो, तीन लाइन लिख दो, जितना लाइन दिया सबको लिख के जोड़ दो, एक जाति को खोजो, घात को समान करो, जोड़ दो। लेकिन घटा में इस रूल को याद रखना कि नीचे वाला लाइन में हमेशा याद रखोगे कि जो जोड़ में रहेगा उसको बदल देना घटा में, और जो रहेगा घटा में उसको बदल देना जोड़ में। अब देखो ये था जोड़ में, अब इसका जोड़ का कहानी खत्म, अब घटा का काम होगा इसके साथ। ये था जोड़ में, कहानी खत्म, इसका काम अब किसका होगा, घटा का। उसी प्रकार से ये तीन था घटा में, अब घटा खत्म, इसका साथ क्या होगा, जोड़ होगा, लेकिन काम होगा घटा का। कुल मिला के काम किसका होगा,
घटा का, लेकिन तुमको नजर आ रहा है कि आप तो जोड़ रहे हैं इसको, नहीं जो रूल है उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब काम करो, अब इसको फिर वही कहानी, चर एक जैसा और उसका घात एक जैसा, आपस में जुटेगा या फिर घटेगा। अब देखो एक्स वाई एक्स वाई, अब एक्स वाई पे घात एक एक है, इसमें भी एक्स वाई पे घात एक एक है, दोनों एक जाति का हो गया, चर एक जैसा घात एक जैसा दोनों एक जाति का। यहाँ पे दो बार जोड़ में, इसके आगे कुछ नहीं तो जोड़ है, और यहाँ पे एक बार घटा में है, तो कुल मिला के घट के एक बार बचा। अब कोई बोलेगा कि आप यहाँ पे एक क्यों नहीं देते हैं, तो एक तो भगवान है, किसी के साथ गुना करो बराबर उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक लिखा नहीं जाता, ये सब में छुपा हुआ, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। अब आ जाओ जेड इस पे घात एक, जेड इस पे घात एक, अब देखो दोनों एक जाति का हो गया। अब फिर वही बात है, देखो अब जेड पांच बार माइनस में, जेड एक बार माइनस में, अब जोड़ में नहीं, जोड़ का कहानी खत्म, जो चिन्ह बैठा है उसका काम होगा। अब जेड एक बार माइनस में और ऊपर में पांच बार माइनस में, अब दोनों लेकिन जुटेगा और चिन्ह होगा घटा का। कहने का मतलब अगर इस प्रकार से हम लोग लिख रहे हैं तो इसका आगे कुछ नहीं तो जोड़ का चिन्ह लिखा नहीं जाता है, और कुल मिला के ये पाँच आता है, लेकिन जोड़ में आता है, लेकिन जोड़ लिखा नहीं जाता। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ माइनस में ही रहे तो ये भी जुटेगा, लेकिन ये माइनस चिन्ह देना होगा। तो जोड़ या घटा का नियम क्या है कि अगर एक जैसा चिन्ह आ गया तो आपस में जुटेगा, कभी घटेगा नहीं। जैसे देखो दोनों में जोड़ था जुटा, लेकिन आगे जोड़ का चिन्ह लिखा नहीं जाता, लेकिन घटा का चिन्ह लिखना होगा। दोनों में घटा है, दोनों जुटेगा, लेकिन चिन्ह आएगा घटा का। वही बात इसमें भी हुआ, जेड एक बार नीचे माइनस में, ऊपर में पांच बार माइनस में, दोनों जुटेगा लेकिन चिन्ह आएगा घटा का। अब वाई स्क्वायर, वाई पे घात दो, वाई पे घात दो वाला कहीं नहीं है तो वैसे उतर जाएगा, क्योंकि उस जाति का कोई नहीं है तो वैसे उतर जाएगा। अब ऊपर लाइन में तो कुछ नहीं बचा, लेकिन नीचे लाइन में देखो तीन बच गया, तो तीन यहाँ पे लिखना होगा फिर से। हाँ, लेकिन तीन जोड़ में बचा, घटा में नहीं, जो चिन्ह तुम नीचे बैठाओगे वही चिन्ह उसका होगा, तो कुल मिला के इतना आएगा आंसर, यही हो गया आंसर। तो देखो इसमें कुल मिला के चार नंबर में ये पांच सवाल दिया, अब पांचों बन जाएगा। तो इसमें हम लोग सीखे क्या, जितना चीज़ पहले बताया उतना ही चीज़। इसमें हम लोग बीज व्यंजक का सबसे पहले परिभाषा देखें, उसके बाद हम लोग देखें क्या कि बीज व्यंजक का गुणांक, बीज व्यंजक में पदों की संख्या, बीज व्यंजक का जोड़ और बीज व्यंजक का घटा। बस इतना चीज़ में ही पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। तो आई होप कि ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, 6.1 ये पूरा कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई समस्या है तो आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और यूट्यूब में जितना ही बच्चा है, अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम अगला वीडियो में इसको बताने का प्रयास करेंगे। और उसके अलावा आप वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को जोड़ें, तब फिर पढ़ाने में और मज़ा आएगा, क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा जुटेगा पढ़ाने में उतना मज़ा आता है, क्योंकि लाइक शेयर ज़्यादा होता नहीं है तो पढ़ाने का मन भी नहीं करता है। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।